वेलकम बैक दोस्तों, एक नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ इंदिरा पार्क में। तो मैं लोअर टैंक बॉन्ड पे है ये इंदिरा पार्क, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इंदिरा पार्क, ये इंदिरा पार्क कैसा है और कितना बड़ा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ की हर एक चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो बड़ी हो गई तो स्किप मत कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी छोटी बनाऊँ, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी हो गई तो स्किप मत कीजिएगा। इसीलिए वीडियो में हमारे साथ बने रही है, मैं बहुत अच्छी वीडियो दिखाने वाला हूँ और बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो में बने रही है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं हम अब दूसरी तरफ। अब देख रहे होंगे दोस्तों, वहाँ से मेन रोड गुजर रहा है, मैं यहाँ से एंट्री लिया था, यहाँ से एंट्री लेकर ऐसा आ गया मैं दोस्तों, ऐसा आ गया। ऐसा आने के बाद मैं आपको इस तरफ पूरा गार्डन है आपको बताऊंगा मैं, इस तरफ पूरा गार्डन है जो भी है उस तरफ है दोस्तों। तो ये पूरा ये गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है दोस्तों और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप भी ज़रूर आना दोस्तों। बहुत प्यारा है दोस्तों, ये स्टार्टिंग का है, पार्क में घुसने के टाइम का है ये पूरा, बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। आप भी ज़रूर आना दोस्तों, बहुत अच्छा है। ये एंट्रेंस का है दोस्तों, मैं यहाँ से ही आया था, आगे जाके मेन गेट है जहाँ से मैं इंटर हुआ था, तो वहाँ से आया था मैं, वहाँ से आने के बाद मैं इस तरफ आया था। बहुत खूबसूरत है, आप भी ज़रूर आना दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आने के बाद मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा, मैं यहाँ से लेके चलूँगा तो आगे वो ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर से मैं आगे और भी दिखाऊंगा। दो पार्ट में, बीच में तालाब है, इस तरफ से गेट है, उस तरफ से भी गेट है, उस तरफ से भी दो तीन गेट हैं, तो उस तरफ से भी अच्छा है। तो ये पूरा तालाब है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा तालाब की तरफ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो ये पूरा गार्डन है, मैं यहाँ से ही अब जाऊँगा, अब उस ब्रिज पर जाऊँगा और ब्रिज पर से जाके वहाँ का व्यूज़ दिखाऊँगा। जो व्यूज़ आता है वहाँ से बहुत ज़बरदस्त आता है, तो वहाँ से ही वो व्यूज़ बताने वाला हूँ। तो आगे चलता हूँ मैं उस तरफ, आपको मैं उस तरफ का व्यूज़ बताऊँगा। आइए दोस्तों, दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब इंदिरा पार्क के आगे आ चुका हूँ मैं, जहाँ पे तालाब है, तो मैं आपको ये अब तालाब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, स्टीमर भी चलती है, लेकिन आज क्या है पब्लिक कम है बोल के स्टीमर नहीं चल रही है, मैं आपको पूरा बताऊँगा अब, तो वीडियो में बने रही है। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको, बहुत खूबसूरत होने वाली है वीडियो, बहुत खूबसूरत गार्डन है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे शिप मिलती है और जहाँ से पानी में घूमते हैं लोग, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ ये पूरी लगी है, 100 रुपीस में घुमाते हैं, चार राउंड ऐसा घुमाते हैं यहाँ, वो ब्रिज से लेके ऐसा चार राउंड ऐसा पूरा घुमाएंगे, तो ये 100 रुपीस का है, ये पूरा लगा हुआ है दोस्तों। तो ये पूरा आपको वही दिख रहा होगा जो अभी मैं बता रहा था आपको, ये पूरा वही है दोस्तों, ये पूरे 100 रुपीज़ का रहता है। ये तो पैर से चलाने का है, खुद के पैर से चलाने का है, वो भी खुद के पैर से चलाने का है, वो वाले जो है मोटर से चलते हैं दोस्तों, वो वाले मोटर से चलते हैं। चाय कॉफ़ी नाश्ता मिल जाता है दोस्तों अंदर आने के बाद, तो इस तरफ मैं आपको और आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आगे आइए, मैं आपको और बताऊँगा। अब यहाँ पर जो है ना, ये बड़ों के लिए एक्सरसाइज के लिए है दोस्तों, ये बड़ों के लिए एक्सरसाइज के लिए है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज का भी है, बड़ों के लिए एक्सरसाइज भी है, लाइन से देख रहे हैं आप, ये सब एक्सरसाइज बड़ों के लिए है, ये एक्सरसाइज है। ये पूरा गार्डन है दोस्तों, इस तरफ एंड है, इस तरफ उस तरफ गए तो बस्ती स्टार्ट है, उस तरफ गार्डन नहीं है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आप भी ज़रूर आना एक बार, इंदिरा पार्क लोअर टैंक बॉन्ड के पास है ये, तो आप भी ज़रूर आना, बहुत खूबसूरत है। मैं अभी आप आगे चल के अभी आपको और बताने वाला हूँ क्या क्या है पार्क के अंदर, तो बने रहिए। दोस्तों ये गार्डन बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है और बहुत सारी चीज़ भी है, लेकिन इतनी चीज़ को मैं एक वीडियो में एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ बच गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको। बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों ये गार्डन, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बड़ा भी है, तसव्वुर नहीं कर रहा था इतना बड़ा गार्डन होगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा होगा, लेकिन गार्डन बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर भी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मुझे पता नहीं था इतना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है गार्डन, यहाँ पर भी अच्छा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों यह गार्डन, यहाँ से पूरा ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ से बाहर भी जाने का है,
इसमें एक्चुअली बाहर जाने के लिए दो तीन गेट दिया गया है, जो दो तीन जगह से बाहर भी जा सकते हैं अंदर भी आ सकते हैं, इसलिए बड़ा है। एक गेट से आने के लिए 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है लोगों को, इसीलिए हर तरफ 3 गेट दिया गया है, 3 तरफ से लोग आके जा सकते हैं, इसीलिए अच्छा है ये गार्डन। हर तरफ से गेट है तो बहुत खूबसूरत है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत है ये गार्डन, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए जो यहाँ पर भी झूले हैं, बहुत अच्छे झूले सब है यहाँ, बहुत बेहतरीन है झूले दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पे जो है बच्चों को झूलने का भी है, तो झूला भी है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, झूला भी है, बच्चों का भी झूला है और बहुत सारी जगह पे झूला है, ये नहीं कि यहीं है खाली, बहुत सारी जगह पे है, तो मैं वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे। फाइनली दोस्त मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे देखिए मछली कितनी है। यहाँ पे क्या है, लोग दाने डाल रहे हैं या आटे डाल रहे हैं, मछली के खाने की चीज़ डाल रही है, तो कितनी मछली है और बत्तख भी है। देखिए ये जितनी पानी हिल रहा है, पूरे बड़े बड़े मछलियाँ हैं दोस्तों, बड़े बड़े मछलियाँ हैं। वाह, बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, ये जितने दिख रहे हैं आपको मछलियाँ ही दिख रहे हैं दोस्तों, ये जितने हिल रहे पानी, देखिए मछली, देखिए बड़ी 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 मछली है, बहुत प्यारी मछली है दोस्तों। लोग यहाँ खाने डाल रहे हैं और मछली आ रही है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको पूरा गार्डन बताया हूँ, तालाब भी बताया, कहाँ क्या है सब आपको बताया हूँ, सब चीज़ आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या है सब ने बता दिया हूँ मैं आपको। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी है वीडियो, और एक लाइक ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद।